हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्या होती है लिंक बिल्डिंग और क्या होती है लिंक अर्निंग और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो के एंड में आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा कि जो लिंक बिल्डिंग है ये है क्या और जो लिंक अर्निंग है ये है क्या और किस तरीके से हमें एसईओ में हेल्प करने वाली है। तो इन डिटेल में लिंक बिल्डिंग और लिंक अर्निंग की डिटेल में जाने से पहले, यानी कि उनके एक्चुअल एग्जांपल देखने से पहले, क्या होती है लिंक बिल्डिंग, क्या होती है लिंक अर्निंग, ये उसके एग्जांपल है, इसके बारे में भी बात करूंगा। उससे पहले हम लोग थोड़े से एक नए कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो आपने आज सुना होगा, लिंक अर्निंग। ठीक है, लिंक बिल्डिंग की तो बहुत बात होती है, यूट्यूब के ऊपर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे लिंक बिल्डिंग के ऊपर, बट लिंक अर्निंग एज अ टर्म को बहुत कम लोग बताते हैं। तो शुरुआत करेंगे बहुत पीछे से, ठीक है, बहुत पीछे से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां पर शुरुआत में जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। फॉर एग्जांपल, जब गूगल ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने का क्या मतलब, अडॉप्ट करने का मतलब है कि गूगल को समझ में आ गया कि बहुत सारा कंटेंट है इंटरनेट के ऊपर और हमें हर कंटेंट को रैंक कराना है, ठीक है, ताकि हम यूजर को बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाए। तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझा और रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अलग अलग रिजल्ट्स को रैंक कराना शुरू कर दिया, अलग अलग रिजल्ट्स को रैंक कराना शुरू कर दिया और उसमें उसने वेटेज देने शुरू किया कि जो जो भी कंटेंट इंटरनेट के ऊपर पॉपुलर है हम उसको रैंक कराएंगे। इस बात को थोड़ी समझने की कोशिश करो, गूगल ने कहा कि जो भी कंटेंट इंटरनेट के ऊपर पॉपुलर है, अगर आपका ब्लॉग, अगर आपका आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर पॉपुलर है तो हम उसे रैंक कराएंगे। अब इंटरनेट के ऊपर पॉपुलर होने का मतलब क्या हुआ, होने का मतलब यह हुआ कि इंटरनेट के ऊपर उसकी बात हो रही हो, और इंटरनेट के ऊपर बात होने का मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट के ऊपर उसके बैकलिंक्स बने हो। तो शुरुआत में ऐसा नहीं था, शुरुआत की मतलब मैं बात करूं अगर 95 से 2000 के आसपास, ठीक है, ईयर 1995 से 2000 के आसपास की अगर मैं बात करूं, तो शुरुआत में ऐसा नहीं था, लिंक बिल्डिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं था शुरुआत में। शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट था वो लिंक अर्निंग ही था। मैंने एक आर्टिकल लिखा और मेरा आर्टिकल इंटरनेट के ऊपर बहुत पॉपुलर हो गया, लोग उसको पसंद करने लगे, तो ऑटोमेटिकली उसको लिंक मिलने लगे। इस बात को समझिएगा, ऑटोमेटिकली उसको लिंक मिलने लगे। अगर ऑटोमेटिकली उसको लिंक मिलने लगे तो मेरे को लिंक अर्निंग होने लगी, मेरे आर्टिकल को लिंक अर्निंग होने लगी। क्या यहां कहीं लिंक बिल्डिंग जैसा कुछ आया, नहीं। तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया 1995 से 2000 के आसपास ऐसी ही चीजें चलती थी, गूगल इसी को लिंक बिल्डिंग, लिंक अर्निंग, सब कुछ इसी को समझता था कि कोई आर्टिकल बहुत पॉपुलर है, लोग उसके बारे में इंटरनेट के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली लिंक बनते जा रहे हैं, उस आर्टिकल की लिंक अर्निंग हो रही है, वो रैंक कर रहा है। लेकिन बाद में जब लोगों को ये सारी चीजें समझ में आने लगी, एल्गोरिदम्स के ऊपर थोड़ा सा लोगों ने ध्यान देना शुरू किया, उस वक्त उनको समझ में आया, अच्छा लिंक भी एक ऐसी चीज है, बैकलिंक भी ऐसी चीज है जिसको गूगल कंसीडर करता है। अब उन्होंने इस चीज को छोड़ दिया, जो असली चीज थी लिंक अर्निंग की, उसको इन लोगों ने छोड़ दिया, यानी कि एसईओ पर्संस ने उनको उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा हम अपने लिंक्स बनाने शुरू कर देंगे, हम अपने लिंक्स बनाने शुरू कर देंगे। यहां से कॉन्सेप्ट आया लिंक बिल्डिंग का, ठीक है। अब अपने जब लिंक्स बनाने शुरू हुए तो लोगों ने बहुत से तरीके अपनाने शुरू कर दिए, ठीक है, फेक तरीके से लिंक लेने लगे, रेसिप्रोकल लिंक्स लेने लगे, पेड लिंक्स लेने लगे, ये सारी चीजें होने लगी। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं, रेसिप्रोकल लिंक्स होने लगे, पेड लिंक्स होने लगे, ये सारी चीजें होने लगी। अब ये सारी चीजें होने लगी तो गूगल को या सर्च इंजन को अपने एल्गोरिदम को फिर से अपडेट करना पड़ा और इन सारी चीजों को फिर से उसे बैन करना पड़ा, इन सारी चीजों को वो वेटेज नहीं देता है। लेकिन गूगल लिंक्स को जरूर वेटेज देता है, ठीक है। लिंक्स का मतलब क्या है, लिंक्स का मतलब वही है कि इंटरनेट के ऊपर पॉपुलैरिटी, अगर आपके ब्लॉग की, आपके कंटेंट की इंटरनेट के ऊपर पॉपुलैरिटी है तो वो जस्टिफाई कैसे होगी कि इंटरनेट के ऊपर ये पॉपुलर है, कैसे पता चलेगा, उसके बारे में लोग बात करते हैं, लिंक्स देते हैं, उसको यहां मेंशन किया, यहां मेंशन किया, दूसरी वेबसाइट पे मेंशन किया, तीसरी वेबसाइट पे मेंशन किया, इससे पता चलता है कि ये आर्टिकल, ये ब्लॉग बहुत पॉपुलर है और गूगल कहता है अच्छा ये तो बहुत पॉपुलर है, हम इसको नहीं इग्नोर कर सकते। तो ये एक रैंकिंग फैक्टर है, ठीक है, ऐसे आप समझिए, ये एक रैंकिंग फैक्टर है। तो शुरुआत यहां से हुई थी, लोगों ने अपने फायदे के लिए ये काम करना शुरू कर दिया। गूगल नहीं कहता आप लिंक बनाओ, गूगल तो कहता है नेचुरल जो लिंक मिलेगी मैं उसको वेटेज दूंगा, ठीक है। गूगल थोड़ी ना कहा कि आप जाओ लिंक बनाओ, लिंक बनाओ, लिंक बनाओ, ये गूगल थोड़ी ना कहता, गूगल तो कहता है लिंक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नेचुरल लिंक आपको मिलेंगे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए रैंकिंग का एक एक मतलब हमारे जो रैंकिंग एल्गोरिदम है उसमें एक पार्ट है, हम उस चीज को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये
लिंक बिल्डिंग लोग करना लगे, गूगल ने इसको ही बैन कर दिया। फिर गूगल ने कहा, गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स को चेंज किया और उसने कहा कि वो जो नेचुरल लिंक बिल्डिंग है या जो नेचुरल तरीके से लिंक आते हैं उसी को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, अब हम किसी भी फेज में हैं, यहाँ कहीं पर अगर हम हैं तो हम देखेंगे कि टाइम टू टाइम और ज्यादा एल्गोरिदम अपडेट होता जाएगा, और ज्यादा एल्गोरिदम अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो कोई लूप होल्स है भी जो आप लिंक बिल्डिंग करते हैं वो भी टाइम के साथ साथ वो गायब हो जाएंगे, और जो बचेगी वो यही चीज बचेगी कि एक्चुअल जो लिंक अर्निंग है वही रहेगी। ठीक है, तो हमारा फोकस लिंक बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए, लिंक अर्निंग के ऊपर होना चाहिए। आप बताओ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सारी चीजें हैं, लिंक बिल्डिंग है, देन ब्लैक हैट एसईओ है, बहुत सारी चीजें हैं शॉर्ट टर्म जो आपके बेनिफिट्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हैं, बट लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो एथिकल तरीका है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिंक बिल्डिंग या लिंक अर्निंग। कौन सा सही है? लिंक अर्निंग। लिंक बिल्डिंग ही हम कर सकते हैं और इसको जो है लिंक अर्निंग की तरफ ले जा सकते हैं थोड़ा सा अगर हम इसको नेचुरल बनाने की कोशिश करें। अब नेचुरल बनाने के लिए हम कुछ एफर्ट्स डालते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी लिंक बिल्डिंग एफर्ट्स हैं, जो हमारी लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज हैं, वो लिंक अर्निंग में हो जाए। ठीक, अब थोड़े से यहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं ये डिफरेंस जब आप देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी, समझ में आने लगेगा कि लिंक बिल्डिंग और लिंक अर्निंग में क्या फर्क है। सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं बट बहुत बहुत ही बड़ा फर्क है दोनों के अंदर। तो एक तो लिंक बिल्डिंग में बिल्डिंग लिंक्स, एक कंटेंट क्यूरेशन लिंक अर्निंग का एग्जाम्पल है, आर्टिकल सबमिशन लिंक बिल्डिंग का एग्जाम्पल है, गेस्ट ब्लॉगिंग लिंक अर्निंग का एग्जाम्पल है, स्पैमी ईमेल्स लिंक बिल्डिंग का एग्जाम्पल है। यहां पर लिंक्स तो आपके बन जाएंगे लेकिन लिंक्स अर्न नहीं होंगे। गूगल कहता है ये नहीं सही है, गूगल कहता है ये सही है, इसको अगर आप इसमें ले जा सकते हो तो भी सही है, गूगल कहता है। आप लिंक बना रहे हो लेकिन ऐसे बनाओ जो लिंक अर्न लगे, कि आपने लिंक अर्न किया है उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, गूगल इमोशंस नहीं समझता है, गूगल एल्गोरिदम पे काम करता है, मशीन ड्रिवन चीज है, ठीक है, एल्गोरिदम ड्रिवन चीज है। तो आपको लिंक बिल्डिंग को लिंक अर्निंग की तरफ ले जाना है। देन रेसिप्रोकल लिंकिंग, जैसे मैंने अभी बताया, बिल्डिंग पार्टनरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें लिंक अर्निंग के ऊपर फोकस करना है लॉन्ग टर्म के लिए, हमें लिंक बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है। और अगर लिंक बिल्डिंग टर्म को हम यूज करते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि लिंक बिल्डिंग को हम इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, तो लिंक बिल्डिंग और लिंक अर्निंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हम किस तरीके से उस चीज के लिए अप्रोच करते हैं, किस तरीके से हम लिंक बनाने जाते हैं, इस बात का फर्क है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि लिंक बिल्डिंग और लिंक अर्निंग में क्या डिफरेंस होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ऑफ पेज एसईओ में ये आपकी फाउंडेशन बनाता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी बन जाएगी लिंक्स को बनाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक एंड गुड बाय।